इस बैंक की ड्यू डेट है 5th. इसकी 15th. इसकी पेमेंट आएगी यहां से. उसके बाद बचा 25th वाला, तो इसकी आधी पेमेंट होगी 20th वाले से और बाकी आधी होगी 28th वाले से. और जब तक ये पेमेंट्स जाती रहेंगी, बैंक्स आपस में पेमेंट करते रहेंगे, सर्कल घूमता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी, तब तक हम वो करते रहेंगे जो हम करते आ रहे हैं. क्या नमस्ते. यू नो गाइस, लाइफ में देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु टेंड टू बिकम फेक. यू नो, कई बार अपना दुख छुपाने के लिए, कई बार बिकॉज दे एंग्री, और समटाइम्स बिकॉज इट्स जस्ट फन. यू नो, लोग अपना असली चेहरा छुपा रहे हैं. दे वेयर अ मास्क. यू नो, प्रॉब्लम ये नहीं है. जब तक ऑल ऑफ दिस इज फॉर फन, इट्स ओके. बट जब वो मास्क आपकी रियलिटी बन जाता है, उसके बाद नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, ये मास्क आप निकाल नहीं सकते. हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ. लखनऊ में पढ़ने वाला एक नॉर्मल सा लड़का, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जो अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहता था, बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज हिज मास्क बिकेम हिज रियलिटी. अरे आज फ्राइडे गाइस, कम ऑन, लेट्स हिट द रोड यार. हाँ यार, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, हैं? आउट ऑफ लखनऊ. क्या बोलता है रोहन? नॉट पॉसिबल गाइस, दैट के स्ट्रिक्ट रूल्स है. बेटा तुम हर वीक कानपुर जाओगे. हमारी नई टाउनशिप की कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करना है, और अगर नहीं किया तो तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी. चल ऐसा ये नहीं, मेरे डैड बोलते. वो क्या है ना, रोहन के डैड फुल बिजनेसमैन है 100%. और वो हर चीज में ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढते. अब उनका बेटा भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है, वो बात अलग है, खर्चा ज्यादा करता है. डैम एक्सपेंसिव, यू नो. रोहन, वो देख शिखा मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. हेलो. हाय शिखा. हाय. सुनना, तू फ्री है ना? मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है. अच्छा बता, तेरे डिवोर्स का क्या हुआ? फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो हो ही गया. ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज आर डन. और मैं शिखा शर्मा से बैक टू शिखा अद्वैत, फ्री एंड हैप्पीली डिवोर्स्ड. एंड दिस कॉल्स फॉर सम ड्रिंक्स. अच्छा लिसन, फॉरगेट ऑल दिस. ये बता कि बात बनी कि नहीं? ओ हाँ, एक इन्वेस्टर मिला है एंड ही इज डैम इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल. प्लान ऑफ एक्शन क्या है? बस मिलना चाहता है एंड वीकेंड फ्री रहना. हाँ ठीक है, बिजनेस प्लान तो रेडी है, बस हमें ये प्रे करना है कि सब कुछ स्मूथली हो जाए ताकि मैं ये बोरिंग लेक्चरों की जॉब क्विट कर सकूं. अच्छा, एक ही महीने में बोर हो गई? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू मी. सी या, बाय. बाय. शिखा अद्वैत, इतने सारे आइटम्स तो कार्ट में डाल दिए हैं अपने आप को पैम्पर करने के लिए. देखना यह है कि इनमें से अफोर्ड क्या कर सकती हूँ मैं. मैडम, आपका पार्सल आया है. नहीं, किसी और का होगा, मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया काफी हफ्तों से. पर मैडम, शिखा शर्मा तो आप ही है ना, एड्रेस भी कॉलेज का है मैडम, ये आप ही का है. Happy single room. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Rohan, आपसे अकेले में बात करनी. Didn't I make myself clear? अकेले में बात करनी है. ये गिफ्ट तुमने दिया है, am I right? No, मैंने नहीं दिया. रोहन, I know कि वो गिफ्ट भी तुमने दिए थे,
और ये गिफ्ट भी तुम ही ने दिया। एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग। यू नो व्हाट, लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखना, जिन एक्शंस को तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, उन्हें करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इन योर हार्ट यू नो कि वो गलत है। हाँ, ये गिफ्ट मैंने ही भेजा है। मैथ्स में क्लास टॉपर हो तो लाइफ में भी मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती है रोहन। अपने रिच डैड के पैसों को वेस्ट मत करो। टेक माय एडवाइस। वेस्ट नहीं कर। मैंने देखा लास्ट वीक वो आप कार्ट पे शॉपिंग कर रहे थे तो कितने दुखी थे, और आपने कहा कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन मेरे पास पैसे थे तो मैंने वो। रोहन, तुम अपनी लाइफ को बहुत कैजुअली ले रहे हो। इधर उधर ध्यान देने से अच्छा कि तुम अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, समझे? मैंने आज ही तुम्हारा मैथ्स पेपर चेक किया और एक सिली सी मिस्टेक की वजह से यू आर सेकंड इन क्लास। डोंट टेक लाइफ सो लाइटली, गेट सीरियस। मैं बहुत सीरियस हूं। अच्छा, तुम सीरियस हो तो ठीक है, एक काम करते हैं। मैं एक डायमंड रिंग खरीदने का सोच रही थी, तुम ही खरीदे ना। ओके, ये कितने की है? अगर आप कैश में पेमेंट करोगे 10% डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, कैश नहीं, पर मेरा स्वाइप है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। लीजिए सर। थैंक यू। आपका कार्ड। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। सीरियस हो तो ठीक है, एक काम करते हैं। मैं एक डायमंड रिंग खरीदने का सोच रही थी, तुम ही खरीदे ना। ये लड़का समझता क्या अपने आप को? पिक अप द फोन, डैम इट। रोहन, what the hell do you think you're doing? Time's up. मैं तुम्हें बहुत पहले से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम बड़ी सी बड़ी बात पे भी आधे घंटे से ज्यादा गुस्सा नहीं रह पाती हो। तो अभी 3 घंटे हो गए, यानी कि अभी गुस्सा शांत हो गया होगा, है ना? We need to talk about this. मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं तुम्हारे घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। आई मीन दरवाजे के बाहर। What? रोहन, इधर। क्या है? गिफ्ट।
अपने पैसे ऐसे मत उड़ाओ. For God's sake, put it to better use. हेलो, इट्स मी. तुम्हें चांस है, जीने नहीं दूंगा मैं. What do you think? डिवोर्स लेके तुम फ्री हो जाओगी? देखो, अगर तुमने दोबारा मुझे फोन किया ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी. वैसे भी तुमसे शादी करके मैंने अपनी लाइफ हेल बना दी थी. अब और नहीं, बस. Ex-husband? Stay out of it, Rohan. Okay. You know, मैंने कहीं पढ़ा था कि हर इंसान लाइफ में एक सेकेंड चांस डिजर्व करता है. हर इंसान. सो प्लीज डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ. मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब से कॉलेज में आई हूँ. तुम्हारी उंगलियों पे वो जो रिंग का निशान है ना, उसे भी ऑब्जर्व कर रहा हूं. तुम जब अपनी उंगलियां फेरती हो उस निशान पे, तो तुम्हारी लाइफ के अकेलेपन का एहसास होता है. प्लीज ट्रस्ट मी एंड गिव योरसेल्फ अ सेकंड चांस. मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे पुराने गांव जरूर भर जाएंगे. सेकंड चांस मेरे पैसों का इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता. अभी ना करो छूटने, क्योंकि मैं ये रिंग पे नहीं. अभी अभी तो पसंद आए, तुम्हारी खुशियों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. अभी अभी रूठने की बात, अभी अभी तो रोशनी आई. अभी ना करो मुंह छुपाने की बात, अभी अभी जिंदगी शुरू है. बाजुओं में मेरी चाहते समाए, तेरी धड़कनों को मेरी धड़कने सुनाए. तेरी ख्वाहिशों से मेरी ख्वाहिशें रहाएं, तेरी करवटों से मेरी दास्तां बयां है. क्या सुकून क्या जुनून हम नवा, अभी दिल की सुनी है. अभी ना करो जमाने की thank you.
गुड मॉर्निंग, तुम ठीक हो? नहीं, जो भी हुआ वो was really beautiful. कल रात जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था. I'm your teacher. कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. लेकिन मुझे पड़ता है. चल, मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड खराब है. मेरे पास ना तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है, यू नो. स्टॉप इट, आई एम नॉट लाइकिंग इट. आई नो तुम टेंशन में हो, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी हर नाम में हाँ होती. पागल हो गए हो तुम, क्या कह रहे हो? और तुम्हें कैसे? लिसन, आई एम सॉरी, ओके? कल रात के लिए मैं परेशान थी एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट सारी गलती मेरी है. ओके, आई शुड हैव बीन मोर स्ट्रिक्ट विद यू. मेरी बात सुनो. चल चल मेरी बात सुनो. मैं क्या, आई नो तुम टेंशन में हो, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही तुम्हें, लेकिन टाइम दो, ये ठीक हो जाएगा. हम बाद में बात करते, ठीक है? हम इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे रोहन, ओके? तुम एक अच्छे लड़के हो, ओके? तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी एंड शी विल बी परफेक्ट फॉर यू. बट दैट्स नॉट मी. तुम्हें भी अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ. उसे कैसे भूल जाओ? रोहन, मेरी बात सुनो. मैंने रोहन, जस्ट गो. ग्यारह कॉल्स बेब, इतना अगर मैंने अपना एक्स बॉयफ्रेंड को किया होता ना तो वो एक्स नहीं होता. तुझे बताया तो था इन्वेस्टर की मीटिंग है एंड यू जस्ट बेब यार. आई सेड आई एम सॉरी. वैसे तूने जो किया अच्छा किया, गुड, यू एंडेड दैट. अच्छा अब इस बारे में ज्यादा मत सोच, सब भूल जा. ये अमीर लड़के होते ही ऐसे हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट्स. नहीं आदिति, ही इज नॉट अ स्पॉइल्ड ब्रैट. He's a nice guy. तो शायद उसके पेरेंट्स से उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होगा, इसलिए he tries to find love in others. But don't worry, he'll be fine. I just hope कल रात जो भी हुआ वो उसकी लाइफ पे लास्टिंग इम्पैक्ट ना छोड़े. अब तो उसके बारे में ज्यादा मत सोच, आजकल के यंग बच्चे ना कुछ भी सीरियसली नहीं लेते. और हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से ना इन्वेस्टर को दूसरी मीटिंग के लिए कन्विंस किया है, सो प्लीज इस बार कोई गुफा मत करना. बी ऑन टाइम, ओके? और प्लीज तू ना इस रोहन के चैप्टर को क्लोज कर. आई एम श्योर वो भी सब भूल चुका होगा. एक बहुत ही वीक मोमेंट की वजह से शिखा ने रोहन को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दे दी थी, यू नो, और उसे कहीं ना कहीं पता था कि गलती उसकी है. सो ऑल दैट शी वांटेड टू डू वाज बरी हर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन. और उसे लगता था कि वो रोहन से जितना ज्यादा कम मिलेगी उतना रोहन के लिए आसान हो जाएगा ऑल्सो टू मूव ऑन, यू नो. इसीलिए शायद उसने कॉलेज छोड़ दिया और अपने अपने बिजनेस प्लान पर काम करने लगी. और उसे हमेशा से लगता था कि रोहन एक रिच फैमिली का बिगड़ा हुआ लड़का है हु हैज जस्ट सम कैजुअल फीलिंग्स फॉर हर जस्ट लाइक एनी अदर गाय इन कॉलेज. एंड शी वाज काइंड ऑफ राइट, काइंड ऑफ, क्योंकि इस वक्त रोहन की लाइफ में शिखा से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स थी व्हिच ही नीडेड टू एड्रेस. क्या डायमंड रिंग, हाँ, वो भी शिखा मैम के लिए. वाह वाह. और तुझे क्या लगता है शिखा मैम इतनी आसानी से मान जाती? हाँ यार वो तो है. देख आज की तारीख में ना दुनिया में पैसा होना ही जरूरी है. सर योर बिल. क्या ये ऐसे टाइम पे मेरा स्वाइप है ना? Yeah.
अरे अभी तो पार्टी शुरू हो तुम लोग। हाँ सॉरी सर, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। अब दूसरा कार्ड देता हूँ मैं, हो जाता है कभी कभी। चलो रहता है यार। सॉरी सर, ये कार्ड भी डिक्लाइन हो गया है। आप एक बार वो चेक करो ना इसको। अरे इट्स ओके यार, मैं पे कर देता हूँ। मैं तुझे कल देता हूँ। अरे इट्स ओके ब्रो यार, तुम्हारे लिए इतना करता है। थैंक यू यार। अरे चलता है यार। थैंक यू यार, पता नहीं कैसे हो गया, सारे कार्ड साथ में तो कभी ब्लॉक। मैं कल बैंक में पता करता हूँ। अरे होता रहता है यार, कैसी बात कर। क्या है ना, रोहन के डैड ने रोहन के सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए होंगे। ये डैड के कहने पर कानपुर नहीं गया ना, शिखा मैम के चक्कर में इधर उधर यू नो कुछ काम नहीं किया इसने। Maybe dad, you know how dads are. But Rohan, तो कितना cool है यार, मतलब तो अपने डैड के अगेंस्ट चला गया। और शिखा मैम, कमाल है यार। यार रोहन के डैड रोहन से इतना गुस्सा है कि आज रोहन को गाड़ी भी नहीं दी। हम दोनों बिना गाड़ी के यहाँ तक आए, यू नो कितना ज्यादा गुस्सा है। बट रोहन तू चैंप है डूड, और मुझे पता है कि तू अपने पेरेंट्स को ना कन्विंस कर लेगा, वो भी अपने स्टाइल में। वो क्या करता है तू? मेरा स्वाइप है ना। चौके अभी काम नहीं कर। चलो निकलते हैं यार। हाँ चल चल। तेरा कार्ड। हाँ। देख आज नहीं तो कल तेरी कार्स और तेरे कार्ड दोनों तेरे पास वापस आ जाएंगे, तो टेंशन मत ले यार। ठीक है चल, मिलता हूँ। चल बाय बाय। बाय बाय। हाँ जा निकल गए वो लोग। कार रेंटल की पेमेंट नहीं, कुछ एक या डेढ़ लाख हो चुका है। फिर ऊपर से शॉपिंग, ये पार्टी, और अब तूने बड़ी गाड़ी भी ले ली है। तू कर क्या रहा है रोहन? कार रेंटल का अमाउंट 1,65,000, पांचों कार्ड्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 8,24,000। इस महीने हमने जो खर्च किया 1,74,255, यानी कि सब मिला के हुआ 11,63,055। ये कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर पे भी कर सकता हूँ, तो तू मुझे ये मत बता, मुझे ये बता कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कैलकुलेशन नहीं, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वी आर ओवर 11 lakhs डाउन। और एक कार रेंटल वाला और बैंक वाले, उनके क्रेडिट कार्ड के रिकवरी एजेंट मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। तो ठीक है, फोन ऑफ कर दे, सिम तोड़ के फेंक दे। फिर भी पकड़ लिया तो ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? घर का एड्रेस उनके पास नहीं। कॉलेज का तो है ना मिस्टर स्वाइप मास्टर? कॉलेज का है, लेकिन मैंने रेंटल अग्रीमेंट में नाम गलत लिखवाया था, रोहन गुजराल। सुन मेरी बात, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, हम नहीं फंसेंगे, बिलीव कर। रोहन ऊपर आ जल्दी। हाँ माँ, आया। तू निकल, कछुआ मिलता हूँ।
यही कि अभी मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। ये हमारा जो 5 BHK डुप्लेक्स है वो थोड़ा छोटा पड़ता है। एम्बिशियस मुझे होना चाहिए लेकिन मुझसे ज्यादा एम्बिशियस वो है। इट्स सो कूल यार। मेरे डैड इज अ बिल्डर। एक्चुअली क्या है वो पहले बिल्डिंग्स बनाते थे अभी टाउनशिप प्लान करते हैं। एम्बिशियस मुझे होना चाहिए लेकिन मुझसे ज्यादा एम्बिशियस वो है। वाओ यार बिल्डर। शॉकिंग इजन इट। सारा पैसा वो गाड़ी वो सारी जो शोहरत का दिखावा ऑल ऑफ दैट वॉज नथिंग बट अ फेक लाइफ। रोहन एक दोहरी जिंदगी जी रहा शिखा और अपने दोस्तों के साथ। उसके पापा कोई अमीर आदमी नहीं छोटे से रेलवे के रिटायर्ड क्लर्क जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जो भी कमाई थी वो इस छोटे से 1 BHK को खरीदने में लगा दी। ये सब रोहन के लिए काफी नहीं था। रोहन को बड़ा बनना था। He wanted to become big. बहुत सारे पैसे कमाने थे और उसे लगता था कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। और ये जो सारा सिलसिला है ना ये शुरू हुआ कुछ 2 साल पहले जब पहली बार रोहन और अभिषेक को उनका पहला क्रेडिट कार्ड मिला। रोहन सारे बिल्स की ड्यू डेट आ रही है पे कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ड्यू डेट नहीं है, प्रॉब्लम है लिमिट। कार्ड की लिमिट देखिए सिर्फ 50,000 रुपए। तो ये कि मुझे लिमिट पसंद नहीं है और हमें ऑप्शंस देखने होंगे। मतलब ये कि बैंक्स बाजार में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। अब इनके कंपटीशन का फायदा उठाएंगे हम जितने पॉसिबल क्रेडिट कार्ड है ना सब अप्लाई करेंगे। एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरा बैंक भरेगा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और जब तक ये आपस में बिल भरेंगे ना हम ऐश करेंगे। इस बैंक की ड्यू डेट है 5th, इसकी 15th, यानी कि इसकी पेमेंट आएगी यहां से। उसके बाद बचा 25th वाला, तो इसकी आधी पेमेंट होगी 20th वाले से और बाकी आधी होगी 28th वाले से। तब तक हमारे इन दोनों अकाउंट्स में पैसे आ जाएंगे। तो जो बचा लास्ट 28th उसकी आधी पेमेंट जाएगी यहां से और आधी पेमेंट जाएगी यहां से। और जब तक ये पेमेंट्स जाती रहेंगी बैंक्स आपस में पेमेंट करते रहेंगे, सर्कल घूमता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी, तब तक हम वो करते रहेंगे जो हम करते आए। क्या नमस्ते अपनी पहली गाड़ी रेंट पर है 35,000 पर मंथ। कोई बात नहीं जल्दी अपनी भी होगी। तब तक के लिए जिसके सपने देखे थे ना उसे पूरा करते। अगर रोहन मिया कैसा गया आज का कॉलेज का दिन? अच्छा था। अच्छा वैसे तुम्हारे कॉलेज गया था मैं आज प्रिंसिपल साहब से मिलने।
तो कॉलेज में नहीं था, तो मैं नहीं लगता कि तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही आवारागर्दी कर रहे। आप रहने दीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी तो वैसे भी बढ़ रहा है तुम्हारी इस औलाद की वजह से। मैं बात करती हूँ ना इससे, अब शांत हो जाइए। देखो ठीक से समझा दो उसे, गोरखपुर से लखनऊ सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से आए थे हम, ताकि ठीक से पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी हासिल करे। कहाँ घूमता रहता है आजकल? मैं देख रही हूँ रोहन, तू काफी बदला बदला सा लग रहा है। ये महंगी घड़ियाँ, ये महंगे कपड़े, ये महंगे सामान, ये सब कुछ कहाँ से ला रहा है तू? क्या मतलब कहाँ से ला रहा हूँ मैं? तुम लखनऊ के बच्चों को जानती हो, महंगी महंगी चीजें, महंगी महंगी गाड़ियां लेके घूमते, और उनके सामने मैं गोरखपुर का गवार। पता है एक साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो कोई मुझे नोट्स तक नहीं देता था, तो कोई और मदद तो बहुत दूर की बात है माँ। पर बेटा इतने पैसे कहाँ से ला रहा है तू, जो इतने महंगे सामान ला रहा है? माँ मैंने मेरे दोस्तों की मदद की थी मैथ्स एग्जाम से पहले, तो उन्होंने गिफ्ट दिए, दैट्स इट। और तेरे पापा को प्रिंसिपल ने बताया कि तू आजकल एक बड़ी सी गाड़ी में घूमता रहता है? कहाँ से आई ये गाड़ी तेरे पास? कौन सी कार माम, और मेरे पास कार कहाँ से आएगी? मेरे दोस्त की थी। रोहन तू सच कह रहा है ना? हाँ माँ। बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वाले अपनी रिकवरी के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं। रोहन कुछ समझ आया कि कार्ड्स कैसे ब्लॉक हुए? बता रहा हूँ एक सुन, शिखा के लिए जो रिंग ली थी ना उसकी वजह से हम ओवरड्राफ्ट में चले गए। कार्ड से एक दूसरे की पेमेंट नहीं कर पा रहे। एक सेकंड समझाता हूँ, ये देख ये है पहला कार्ड जिसकी लिमिट है 3 लाख रुपए। अब हमने इससे रिंग तो ले ली, लेकिन इसकी पेमेंट करने वाला था ये दूसरा कार्ड जिसकी लिमिट है 2 लाख रुपए, लेकिन उससे हम 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके। इसकी पेमेंट करने वाला था ये तीसरा कार्ड जिसकी लिमिट है 2.5 लाख रुपए, लेकिन इसमें से भी 1.5 लाख रुपए हम ऑलरेडी खर्च कर चुके। तो ये कार्ड पेमेंट करने वाला था इसकी, और ये कार्ड पेमेंट करने वाला था इसकी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो आगे की पूरी साइकिल गड़बड़ा गई। और हमारी लिमिट जो कि 10 लाख रुपए थी, हम उससे 1.5 लाख रुपए ऊपर ट्रिप में जा चुके हैं। क्या परेशान मत हो, मैं बाद में फोन करता हूँ। जी सब, वो कार मेरी ही है, मैंने ही रेंट पे दी थी। रोहन और अभिषेक नाम है उन लड़कों का, लेकिन साहब वो 3-4 दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, और पिछले महीने का रेंट भी नहीं दिया साहब। रोहन गुजराल, अभिषेक मलिक। नहीं साहब, इस नाम की कोई लड़की इस कॉलेज में नहीं है। अगर नाम गलत बताया है तो शायद कॉलेज भी गलत बताया होगा। नहीं साहब, कॉलेज तो यही है, क्योंकि मेरा गैरेज पास में ही है, और वो गैरेज आकर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे। जब कभी वो मेरा फोन नहीं उठाते थे तो मैं रेंट लेने के लिए यहाँ पर मिलने आता था, तो यही मिल जाते थे। अगर कॉलेज यही है तो अभी तक कोई मिला क्यों नहीं? सर 3-4 दिन में हमने इस कॉलेज की पूरी छानबीन की, लेकिन इस नाम के लड़के इस कॉलेज में नहीं है। एक काम करो, कौन से लड़के पिछले 3-4 दिनों में कॉलेज में एब्सेंट हुए हैं पता करो, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और इनसे उन दोनों लड़कों का स्केच बनवाओ। देखते हैं कब तक भागेंगे। ग्यारह लाख 63,000 और 55 रुपए।
कई सारी बैंक्स इन दोनों को ढूंढ रही, खासकर रोहन को। अगर ऐसा कैसे इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि सारे क्रेडिट कार्ड्स रोहन के नाम पर, कुछ 10 लाख के पेमेंट आउटस्टैंडिंग है और अभिषेक पर सिर्फ 1 लाख का कुछ। देखिए सर, अभिषेक मेरा बेटा है और रोहन के चक्कर में आकर ये फंस गया है। मैं बेल के लिए अप्लाई करता हूँ और जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है मैं कैसे भी करके चुका दूंगा, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, दोनों बच्चे एक साथ थे तो? जी नहीं, ये सब आपके बच्चे की वजह से हुआ है, क्रेडिट कार्ड उसके ही नाम पे है। माफ कीजिए मुझे, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, आप अपना देख लीजिए, चलो। रोहन वॉज अ वेरी टैलेंटेड गाय, मैथ्स और नंबर्स में उसका कोई तोड़ नहीं था, बट अगेन अपने इस टैलेंट का उसने काफी गलत इस्तेमाल किया। नाउ लुक वेयर ही इज, सच अ टैलेंटेड बॉय बिहाइंड बार्स। पर आपको पता है बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है? सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो आपको लोगों का असली चेहरा दिखा देता है, यू नो, कि आपके रिलेटिव्स, आपके क्लोज वंस, आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो इस बुरे वक्त में रोहन के साथ नहीं थे, उसका साथ छोड़कर जा चुके। And he was all alone. You know, इस सिचुएशन में रोहन की फैमिली का साथ उसके साथ होते हुए भी नहीं था। It's because उसकी फैमिली भी बहुत हेल्पलेस थी। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। I just wish कि रोहन ने अपनी उस फेक लाइफ का मास्क नहीं लगाया होगा। I just wish he was not pretentious. बेल हो गई। रहता हूँ मैं मेरी बेल। हाँ चलो बात चलो। साथ तेरे कटते हैं मेरे संग दिन रात। तू ठीक तो है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है। रहता हूँ मैं तो हर पल साथ तेरे। तेरी बेल हमने नहीं, कटते हैं उन्होंने कर पाई। रात तेरे फिर हाल से तू दिल के मेरे क्यों ऐसे अनजान है जिंदगी। कॉलेज से पता चला क्या हुआ? आई वाज शॉक्ड। आई एम सॉरी। गुड, यू शुड बी। लेकिन तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बेल क्यों दिलवाई? तुमने कहा था ना कि एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी वेस्ट कर देना, दैट्स नॉट फेयर, राइट? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारी क्या गलती थी? एक गलती हो तो बताओ। कार्ड्स, फॉर्जरी, फ्रॉड? नहीं, ये तो पुलिस के अकॉर्डिंग तुम्हारी गलती थी। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या थी तुम्हारी गलती, मैं बताऊं?
तुम्हारा ये सोचना कि तुम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो। रोहन, फ्रेंड्स पैसों से नहीं खरीदे जाते, फ्रेंड्स तो बनाए जाते हैं। अगर पैसों से खरीदे जाते तो आज वो हर एक फ्रेंड तुम्हारे साथ खड़ा होता ना, जिस पे तुमने पैसे खर्च किए। और शायद इसीलिए आप भी यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक दिन तुम्हें लगता है कि मैं वो डायमंड रिंग और गिफ्ट की वजह से यहाँ हूँ? नो रोहन, उस रात तुमने मुझे जो कहा वो मेरे दिल को छू गया, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ it was because I liked you. But anyway, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने आप को ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए खुद से ज्यादा पैसे पे कॉन्फिडेंस है। मेरी एक एडवाइस मानोगे? तो एडवाइस ये है रोहन कि अब से तुम अपनी ग्रोथ पे टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रांग बनाओ, ग्रो एज अ पर्सन, इस सेकेंड चांस को अच्छे से यूज करो। समझ गए हो तो फिर ठीक है, कल सुबह शार्प 9 o'clock 59 गोमती नगर आ जाओ। 59 गोमती नगर क्यों? मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइजिंग फर्म शुरू किया और मुझे ना तुम्हारे जैसे शार्प इंटर्न्स की जरूरत है, यू नो द वंस आर गुड विद नंबर्स। शार्प 9 o'clock हाँ। संग दिन रात तेरे, फिर हाल से दिल के मेरे क्यों ऐसे अनजान है। Hey guys, thanks for joining us. Systematic Investment Plan SIP. आपकी help करता है home loans, educational loans and health insurance में। और मैं रोहन, आपका फंड मैनेजर, आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल गिव एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑन अ वेरी मिनिमल ऑफ इंटरेस्ट रेट टू हूएवर होल्ड्स द 1000 शेयर्स ऑफ आवर कंपनी। और हाँ, वैसे भी किसी ने कहा है कि आई एम वेरी गुड विद नंबर्स, सो आई होप वी विल एंजॉय वर्किंग टुगेदर। यू नो, जब रोहन की जिंदगी में किसी ने उसका साथ नहीं दिया, ना ही उसके फ्रेंड्स, ना उसके क्लोज वंस, ना ही टाइम, किसी ने रोहन का साथ नहीं दिया। बट यू नो, रोहन वाज स्टिल लकी, इट्स बिकॉज़ रोहन की जिंदगी में शिखा आई, एंड शिखा वाज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इट्स बिकॉज़ शिखा के आने के बाद रोहन की जिंदगी को एक सेकंड चांस मिला। अब आप इसे मिरेकल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इमेजिन, जो एक इंसान खुद इतनी बड़ी फाइनेंशियल मेस से गुजरा हो, वो आज लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइस दे रहा हो। इजंट इट अ यू टर्न दैट लाइफ टेक्स? यू नो, कई कई बार हम जिंदगी में रास्ता भूल जाते हैं, एंड बिलीव मी, वो रास्ता भूलना हम लोगों के लिए कई बार बहुत अच्छा साबित होता है, बिकॉज जिंदगी हमें कब सेकेंड चांस दे दे ये हमें नहीं पता होता। हमें बस जिंदगी का वेलकम करना होता है विद ओपन आर्म्स। यही तो है ए जिंदगी, कभी अम्यूजिंग तो कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, कभी बहुत ज्यादा डार्क तो कभी सिंपली अमेजिंग। आई राइम्ड चिंटाए। तो ऐसी ही रिदमिक स्टोरीज और ऐसी ही ब्यूटीफुल स्टोरीज अगर आपके पास भी हैं, और हमारे शो के बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, why don't you share that with us on #ezindagi, facebook.com/zingtv and twitter.com/zingtv. And this is Ritvik Dhanjani. मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another inspirational and a beautiful story. Until then, ezindagi, I love you. कभी तूफान है, कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है ऐ जिंदगी? अपनी ही चाल पे, अपने सवाल पे, क्यों तू इतनी हैरान है ऐ जिंदगी? उलझन जो है तेरी, मुझको तू बतला दे, वक्त बेईमान है ए जिंदगी, ए जिंदगी।
present.